बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कोरोना वायरस से संबंधित जो अभी तक आपके नॉलेज में नहीं आई वो बताना चाहूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, खाना खाने या मुंह में हाथ लगाने के पहले हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी है। उसी तरह लेटरिन जाने के पहले भी हाथों को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वायरस किसी भी रास्ते से अंदर जा सकता है। वायरस आउटगोइंग और इनकमिंग में फर्क नहीं जानता। एक मित्र पूछ रहे थे, या जब लॉकडाउन पहले से एक शब्द मौजूद है तो दूसरा शब्द लॉकडाउन बनाने की क्या जरूरत है। लॉकअप और लॉकडाउन दो अलग अलग चीजें हैं। लॉकअप का मतलब है, लॉकअप का अर्थ देखें अपन तो खड़ा ताला, और लॉकडाउन जो है उसका अर्थ होता है बैठा ताला, मतलब ताला भी बैठा रहेगा। इसीलिए हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, चाहे घर हो बाहर हो, दिन हो रात हो, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पावर कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। नहीं तो कोरोना के बाद जनसंख्या वृद्धि भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। फिर भी जिन लोगों से जिनकी नई नई शादी हुई है या नई नई शादी हुई है, वो अभी अगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए हर तरीके के मास्क मौजूद है बाजार में। कुछ लोग खासकर ग्रामीण अंचल से खुले में शौच जाते हैं, उनको बताते हैं कि जो भी मास्क उपलब्ध है वो सामने और आगे के है, पीछे की ओर का अभी तक कोई मास्क नहीं बना, इसलिए खुले में शौच ना जाए वरना वायरस किसी रास्ते से अंदर जा सकता है। तो घर में रहें, घर में मनोरंजन के साधन है आपके, आजकल तो हर घर में टीवी है, मोबाइल है, मनोरंजन के घर घर में साधन है। एक समय था जब घरों में टीवी और मोबाइल वगैरह के घरों में मनोरंजन के साधन नहीं रहते थे, मनोरंजन का साधन होते थे केवल टाटा, और अगर एक दो दिन शहर बंद हो जाए तो लोग मनोरंजन के लिए फड़फड़ा जाते थे। उस समय लोग मनोरंजन के लिए टाकीजों में जाके मनोरंजन करते थे। अब जो लोग पढ़ लिख गए, नौकरी या बिजनेस करने लगे, फिर वो लोग टाकीज नहीं जा पाते और टाकीज में जाके मनोरंजन कर नहीं पाते थे, फिर उनकी शादी कर दी जाती थी। इससे दो फायदे होते थे उनको, एक तो टिकट नहीं लेना पड़ती थी, दूसरा मनोरंजन में सेंसर बोर्ड की दखलंदाजी नहीं चलती थी। लेकिन सरकार को भी दो नुकसान होते, एक तो मनोरंजन करने मिलता था, दूसरा जनसंख्या वृद्धि का खतरा था। इसलिए ये विचार किया गया, घरेलू मनोरंजन पे ही मनोरंजन कर लगाया जाए। लेकिन किस आधार पर लगाया जाए, कोई भी ये बताने को तैयार नहीं था कि उसने महीने भर में अपने घर में कितना मनोरंजन किया। सब यही बोल रहे थे, हमने तो छूट की सीमा के अंतर्गत ही मनोरंजन किया। एक नेताजी ने बोल दिया, भैया हमारा काय का मनोरंजन है, तो जनसेवा के हम जनता की सेवा करते हैं, मनोरंजन हम नहीं करते। लोगों ने बोले, भैया नेताजी आपके तीन तीन लड़के हो गए। बोले भाई अब हम लोग आम सभाओं में जाते हैं, वहां जनता स्वागत भी करती है, तो अंडे भी मारती है, टमाटर भी मार दी, जूते भी मार दी, गुस्सा तो आता है। अब जी गुस्सा जनता पे तो निकाल नहीं सकते, जी गुस्सा जाके घर पे निकलता है, उसी गुस्सा ही गुस्सा में हो गए तीन लड़के। कुछ मामले ऐसे भी थे ताकि किसी और की मनोरंजन और कोई करके चला जाता था। तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। फिर कुछ विद्वानों ने सलाह दी, ऐसा किया जाए सबको मनोरंजन मीटर लगा दिया जाए, जिसके जितने यूनिट
आएगा 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मनोरंजन कर दिया जाए। लीजिए, निचले सदन से प्रस्ताव हो गया, ऊपरी सदन में गया, वहां विद्वान बैठे रहते, उनने बोल दिया नहीं, प्रस्ताव को अलग कर, गृह युद्ध हो जाएगा। लोगों ने पूछा क्यों, बोले अरे मीटर तो घरवाली भी देखेगी, और जब वो देखेगी घर में 200 यूनिट मनोरंजन हुआ और मीटर बता रहा 400 यूनिट, मतलब 200 यूनिट मनोरंजन घर के बाहर हुआ है। समझ जाएंगे घर के बाहर कुछ ना कुछ, इसलिए ये प्रस्ताव भी गया। फिर बड़े प्रयासों के बाद टीवी का विचार आ रही, लोगों को घरों में टीवी दे दो, घरों के अंदर टीवी देखेंगे और उसमें मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, तो यहाँ बात, इसलिए इसका नाम भी रखा गया दूर दर्शन, मतलब दूर दूर बैठ के दर्शन करो, पास आने की जरूरत। फिर ख्याल आया नौजवान का, हमारे नौजवान एकल मनोरंजन में यहाँ वहां कोने में एकांत में व्यस्त रहते हैं। तो फिर नौजवानों के लिए मोबाइल आया, इनके हाथ में मोबाइल दे दो, हाथों में मोबाइल रहेगा तो हाथ यहाँ वहां कहीं, यानी किसी हाथ कहीं अनंत मनोरंजन।